हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के अनेक बिंदुओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके अगले बिंदु द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ यानी क्रांति और दैनिक जीवन, इस पर चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न है, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ पीपुल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। क्या राजनीति लोगों के पहनावे, भाषा, बोलचाल, पुस्तकों आदि को बदल सकती है? इससे संबंधित चर्चा में हम जानना चाहेंगे, द ईयर्स फॉलोइंग 1718 इन फ्रांस आर मेनी सच चेंजेज इन द लाइफ्स ऑफ मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में बहुत सारे परिवर्तन मनुष्यों, पुरुषों, औरतों और बच्चों के जीवन में दिखाई पड़ा, और ऐसा क्रांतिकारी सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के कारण हुआ। वन इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल इन समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। उनमें से एक प्रमुख कानून था जो बास्टिल के किले के ध्वंस के बाद क्रांतिकारी सरकार ने लागू किया था, वो था सेंसरशिप की समाप्ति। इन द ओल्ड डिजाइन प्राचीन व्यवस्था के अनुसार ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज लाइक बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेज could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king। पहले की व्यवस्था ये थी जब censorship लागू था कि कोई भी समाचार, कोई भी पुस्तक, कोई भी विचार, कोई भी खेल बगैर सम्राट के परमिशन के संभव नहीं था। परंतु नई सरकार के आने के बाद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट्स। इस सरकार ने सेंसरशिप तो समाप्त की ही, साथ ही ये घोषणा की कि लोगों के अधिकार और उनके नागरिक जीवन, उनकी अभिव्यक्ति स्वतंत्र होगी। न्यूज़पेपर्स, पब्लिश्ड बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फोल्डेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, जिससे समाचार पत्र, छपी हुई तस्वीरें, विचार फ्रांस में चारों तरफ जिधर भी देखो उधर अपनी अपनी अभिव्यक्ति लोगों की दिखाई पड़ने लगी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मीन्ट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड। प्रेस की आज़ादी से तात्पर्य भी यही है कि लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, उस पर कोई रोक ना हो। प्लेस सॉन्ग इन फेस्टिव प्रोसेसिव अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रैब्स identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only a handful of educated people could read। अब लोग अपने विचारों को व्यक्त करने लगे, लोग उसको पढ़ने लगे जो पहले कुछ ही लोगों तक सीमित था। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति
किस प्रकार लोगों के जीवन, उनके पहनावे, उनके विचार आदि को परिवर्तित कर देती है। जैसी राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, उसी प्रकार से जनसामान्य भी बदल जाता है। एक अंतिम बिंदु इससे संबंधित और हम लोगों ने पिछले टर्न पर पढ़ा था कि फ्रांस की जो अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था थी, उसने एक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्टा के मार्ग के उदय का मार्ग प्रशस्त किया था। नेपोलियन बोनापार्टा ने अनेक ऐसे कानून बनाए जो यूरोप, फ्रांस ही नहीं यूरोप में भी लागू हुए और एक व्यवस्थित विधि के रूप में जाने गए। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टा क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बोनापार्टा ने अपने को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। ही सेट आउट टू कंक्वायर नेबोरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्प्रोसिव डायनेसिस एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। नेपोलियन सा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन अपने को यूरोप का निर्माता, नवीकृत रूप में देने वाला समझता था। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। नेपोलियन बोनापार्टा ने अनेक कानून बनाए, जैसे वैयक्तिक संपत्ति की सुरक्षा, एकीकृत या व्यवस्थित माप और वजन की विधि और दशमलव प्रणाली उनमें से प्रमुख थी। इनिशियली मेनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपुल, बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इनवेडिंग फोर्स। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। मेनी ऑफ हिज मेंबर्स हैव कैरीड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ द लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज ऑफ द ऑफ अदर पार्ट ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपुल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई। उसके जो विचार से सहमत लोग थे, उन्होंने उनके विचारों को, उसके सुधारों को, चाहे वो माप संबंधी हो या अन्य हो, यूरोप के शेष भागों में फैलाया। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रांच रेवोल्यूशन। दे स्प्रेड फ्रॉम यूरोप टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फेड्यूल सिस्टम वर एबोलिश्ड। कॉलोनाइज्ड पीपुल रिवर्ट द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इन टू देयर मूमेंट्स टू क्रिएट अ शोर्स इन नेशन स्टेट्स। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड इन द टू द आइडियाज कमिंग फ्राम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। भारत के दो प्रमुख टीपू सुल्तान और राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति थे जो फ्रांस के क्रांति से उपजे विचारों के समर्थक थे, यहीं थे। राजा राममोहन राय
was one of those who was inspired by new ideas that was specifying through Europe at that time. The French Revolutionary and later the July Revolution excited this imagination. He could think and talk of nothing else when he headed up the July Revolution in France in 1830 on his way to England. At Cape Town, he insisted the visiting flights flying the revolutionary tricolor flag, though he had been temporarily famed by the accident. ये आपके पाठ के कुछ प्रमुख बिंदु थे. आज हम इस पाठ आज ही आपका ये पाठ समाप्त हो रहा है. साथ में इस एक्सरसाइज भी है, आप नोट्स बना रहे होंगे. एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं इनको भी जो आपके हेडिंग में आ गए हैं उनको छोड़ते हुए शेष प्रश्न को भी लिखेंगे. यदि कोई समस्या होगी तो हमसे बात करेंगे. थैंक यू.